फेस्टिवल्स का टाइम है तो घर तो आप क्लीन कर रहे होंगे, जितना भी कबाड़ आपको मिल रहा है सारे को कलेक्ट करके रख लो, क्योंकि उन सारे से हम क्रिएट करेंगे बहुत सारे DIYs। लास्ट वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया था ये मिठाई के बॉक्स के साथ एक DIY, और तभी मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है एक बहुत ही प्यारा सा ये क्राफ्ट जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। मतलब आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर्स में देख लो या फिर ऑफलाइन भी देखो तो इस तरह के आइटम्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है तो आप बिल्कुल खर्च मत करना, आप इसको अपने से ही क्रिएट कर सकते हो। देखो कितना सिंपल है, सिर्फ इस तरह के मिठाई के बॉक्सेस जो भी आपके पास शेप्स एंड साइजेस के हैं उन सारे को आप कलेक्ट कर लो। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है, आप इसके बदले चाहो तो आप नॉर्मल क्ले मतलब टेराकोटा क्ले का यूज़ कर सकते हो, एमसिल का यूज़ कर सकते हो, तो वो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उस हिसाब से उसको यूज़ करना। मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है, रेजिन एंड हार्डनर को अच्छे से मिक्स करके इस तरह से लीफ कटिंग्स मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इस बॉक्स को हम पेंट करेंगे इन अ शेड ऑफ ब्लैक। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर ब्लैक पेंट करती मैं तो ये अच्छे से पेंट नहीं होता, मतलब पेंट निकल जाता, क्योंकि ये जो पैक है ये थोड़ा सा ग्लॉसी सरफेस था और साथ में स्वीट बॉक्स है तो स्वीट्स के जो घी वगैरह होता है वो उससे थोड़ा ज़्यादा ये ग्रीसी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वॉल पुट्टी के साथ ये एक्रिलिक पेंट को मिक्स किया है। इसके वजह से मुझे जेसो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इस मिक्सचर को यहाँ पे पेंट अच्छे से कर दिया है। तो बॉक्स को हम पूरा ब्लैक पेंट करेंगे, तब तक वो जो लीफ कटिंग्स है वो सारे ड्राई होने दो, फिर आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अब ये लीव्स अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे गोल्डन स्प्रे पेंट कर रही हूँ। आप चाहो तो आप इसके बदले एक्रिलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हो, स्प्रे पेंट से काफ़ी जल्दी ये अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है पेंट, और मेरे पास ये था तो मैंने इसी को ही यूज़ किया है। अब ये पेंट भी जब अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी ये सारे बॉक्सेस के अंदर। थोड़ा सा हाइट चाहिए था तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये ब्लैक शैम्पू के बॉटल्स थे, बॉटल्स की कैप्स थे एक्चुअली, तो कैप्स को मैंने यहाँ पे इसके बेस पे लगा दिया है सो दैट ये जो लीव्स है ये थोड़ा सा एलिवेटेड लुक लगे। देखो कितना ज़्यादा क्लासी लग रहा है, बिल्कुल एक्सपेंसिव लग रहा है और एकदम कबाड़ से ही बना है, तो ज़रूर से ट्राई करना, बहुत इजीली क्विकली ये बन जाएगा। तो नवरात्रि एंड दिवाली के लिए परफेक्ट है दिस ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन, डू गिव इट अ ट्राई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये पेपर प्लेट। इस तरह के प्लेट्स तो हर किसी के घर में होता ही है एंड ये हमेशा आप वन टाइम यूज़ के लिए लाते हो बट काफ़ी सारे बच ही जाते होंगे, तो इससे ही हम आज एक वॉल हैंगिंग मतलब एक प्रॉपर वॉल प्लेट की तरह इसे डिज़ाइन करने वाले हैं और एकदम ट्रेडिशनल लुक में। तो यहाँ पे डिटेल्स के लिए मैं थोड़ा सा जूट रोप का भी यूज़ कर रही हूँ, ये भी मेरे पास था थोड़ा सा तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसको ही यूज़ कर सकते हो, मतलब आपके पास कॉटन के थ्रेड है, आपके पास जूट रोप है, आपके पास कोई और इस तरह के सिमिलर आइटम्स है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। जो भी रिसोर्सेज आपके पास कबाड़ में अवेलेबल है आप उसी से ही क्रिएट करना क्राफ्ट, सो दैट एकदम बजट फ्रेंडली हो, और कोशिश करना कि इजी क्राफ्ट्स आप बनाओ सो दैट फेस्टिव आने से पहले आप बहुत अच्छे से अपने घर को बहुत सारे आइडियाज़ के साथ स्टाइल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सारे में जितना भी बॉर्डर्स मुझे चाहिए था सारे मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे इसको मैं सिर्फ ब्राउन वाइट एंड ये जूट के कलर कॉम्बिनेशन में रखने वाली हूँ, तो बेस को पहले ब्राउन पेंट करेंगे एंड उसके बाद एकदम छोटे छोटे से ईजी वाले कुछ ट्रेडिशनल मोटिव्स बनाऊँगी यूजिंग वाइट एक्रिलिक कलर्स। तो पूरा प्रोसेस देखना बहुत इजी है, आई होप आपको पसंद आएगा।
देखो ये ब्राउन एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड साथ ही साथ नवरात्रि वगैरह में इस तरह के अगर अर्थी कलर्स का कुछ अगर आप ऐड करते हो अपने घर में तो वो बहुत ज़्यादा फेस्टिव लुक को अप्रोप्रिएट करता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो बहुत इजी वाले डिज़ाइंस मैंने चूज़ किया है सो दैट बहुत ज़्यादा तामझाम वाले डिज़ाइंस में करती तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता और इतना ज़्यादा मतलब पहले पेंसिल से ड्रॉ करो फिर उसके बाद उसमें पेंट फिल करो, उससे अच्छा जो भी समझ में आ रहा था उस टाइम पे इतना इजी वाले मोटिव्स मैंने इसलिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और तीनों को थोड़ा बहुत सिमिलर रखा है सो दैट एक ही जगह पे प्लेस करने से ये सारे कलेक्टिवली बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लुक निकल गया है। आई होप ये आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत सिंपल है, इसको तो ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही क्विकली आपके पास भी एक पूरा वॉल डेकोर इस तरह से बन सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये कैनवस बोर्ड एंड इसके ऊपर मैंने इस तरह से एक कटआउट निकाल लिया है, मतलब ये मैंने प्रिंट आउट निकाला है एंड उसी को ही मैं यहाँ पे डिकोपाज की तरह यूज करने वाली हूँ। तो क्योंकि नवरात्रि का डेकोर है तो मुझे लगा कि थोड़ा सा देवी माँ काइंड ऑफ कुछ एक बनाती हूँ इस तरह से। अगर मैं पेंटिंग करती, लास्ट टाइम मैंने पेंट किया था उस तो बहुत थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है पेंट करने में, तो इस बार मुझे लगा कि इस तरह से एक प्रिंट आउट जैसा मुझे चाहिए था उस हिसाब से निकाल लेती हूँ सो दैट मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाए और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा, एकदम लग रहा है कि ये पेंटिंग ही है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस पेपर को यहाँ पे कट करके पेस्ट कर लिया है एंड ये एजेस में जो भी कलर है वही सेम कलर से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी सो दैट ये पूरा प्रॉपर लगे कि एक ही है, मतलब ऐसा अलग से कटआउट ऐसा फील नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे ये तो मैंने प्रिंट आउट निकाला है, आपके पास जो भी ऐसे वाले जो अगर आप नवरात्रि में यूज़ कर रहे हो या फिर दिवाली के टाइम पे यूज़ कर रहे हो तो थीम के अकॉर्डिंग कोई भी मैगजीन से कोई पेपर से कटआउट निकाल के भी आप यूज़ कर सकते हो। कैनवस बोर्ड का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि लास्ट एक शॉर्ट में मैंने मीशो का एक हॉल शेयर किया था जिसमें मैंने काफ़ी सारे कैनवस बोर्ड्स परचेस किए थे तो उसी में से मैं एक यूज़ कर रही हूँ। अगर मेरे पास कैनवस बोर्ड नहीं होता तो मैं खुद से भी कैनवस क्रिएट करती हूँ, मतलब एक कार्डबोर्ड के ऊपर बकरम शीट लगा के भी आप कैनवस क्रिएट कर सकते हो, तो कबाड़ से भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से पूरे को एक्रिलिक पेंट से फिल करने के बाद ये जो साइड का स्पेस है यहाँ पे मैं एक मंत्र लिखने वाली हूँ। तो इस तरह से आप जो भी अपने अकॉर्डिंग थीम कलर कॉम्बिनेशन ये सारे रख सकते हो, बहुत ही ईजी सा आइडिया है, बिल्कुल 5 to 10 minutes में ये बन जाएगा क्विकली। आप एकदम एंड मोमेंट में भी अपने घर को अगर आपको लगता है कि कोई स्पेस ऐसा छूट गया है जहाँ पे आप कुछ थोड़ा बहुत इस तरह के एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो तो दिस इज़ दैट वन जिसको आप एकदम यूज़ बना सकते हो तुरंत और आप इसको स्टाइल कर सकते हो। ज़रूर से इसको भी ट्राई करना, इस तरह के आइडियाज़ मैं हमेशा ही शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना बिकॉज आगे दिवाली के लिए बहुत सारे आइडियाज़ लाइंड अप है, सारे ही एक से बढ़कर एक और बहुत ही क्विक एंड इजी आइडियाज़ है, तो आप सब ज़रूर इस सारे को ट्राई कर सकते हो। देखो अब ये कंप्लीट है, इस पर वॉर्निश का भी अप्लाई कर दिया है एंड उसके बाद थोड़े बहुत और डिटेल्स में ऐड करूँगी यूजिंग अ वाइट जेल पेन, तो इसका लुक एकदम कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही ईजी है तो ज़रूर से ट्राई करना। एंड फाइनली द लास्ट वन, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक कार्डबोर्ड का पीस मेरे पास था और थोड़ा सा मोल्डेड क्ले बच गया था किसी और काम कर रही थी उसमें से, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। इस कार्डबोर्ड के एजेस को कवर करने के लिए मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ।
कार्डबोर्ड की कंडीशन थोड़ी ख़राब थी तो मैंने थोड़ा ज़्यादा टिश्यू पेपर का यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि किस तरह से आपको कैनवस बोर्ड इस तरह से बनाना है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है विच इज़ रेड एंड वाइट, ये तो नवरात्रि के लिए परफेक्ट है। स्पेशली नवरात्रि में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नवरात्रि में रेड एंड वाइट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सिमिलर टू दिवाली में बहुत ज़्यादा फूशिया पिंक और ब्लू ये सारे कलर्स जैसे अच्छे लगते हैं, वैसे ही सिमिलरली रेड एंड वाइट का एक क्राफ्ट तो आपको बनाना ही चाहिए फॉर नवरात्रि। तो यहाँ पे देखो बहुत इजी सा ये आइडिया है। सिंपली यहाँ पे आपने देखा कि मैंने ये मोल्डेड क्ले का जो पार्ट था उसके ऊपर इस तरह से ये चरण वाले जो डिज़ाइन है ये मैंने यहाँ पे बनाया। साइड में सिंपल सा एक फ्लोरल डिज़ाइन ऐड कर दिया है इस तरह से, एंड इसके ऊपर बहुत सारे मिरर्स के साथ इसको मैं कंप्लीट करूँगी। ये एक वॉल हैंगिंग आप बोल सकते हो, इसको आप अपने मंदिर के डेकोर में यूज़ कर सकते हो, इसको आप एंट्रेंस पे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत क्विकली क्रिएट भी हो जाएगा एंड एकदम परफेक्ट है फॉर द ओकेजन। तो आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको पसंद आए हैं। ज़रूर से बताना कि इन सारे में से आपका फेवरेट कौन सा है, और इन सारे को तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। तो चलो मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विथ अनादर सिमिलर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।